किस तरह से अंदर भर रहा है पानी, और पानी अभी बहुत तेजी बरस रहा है। कि दोस्तों आषाढ़ी आषाढ़ा है, त्योहार है दोस्तों हमारा। तो दोस्तों हमने बाजार कर लिया है दोस्तों, मंदिर के बाहर। तो नमस्ते, प्रणाम, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, आप सभी को हमारी तरफ से प्यार भरी गुड मॉर्निंग। हाँ, सुबह हो गई है दोस्तों और बहुत अच्छा मौसम है, देख सकते हो। थोड़ा सा रिमझिम हो रहा है, इसके लिए दोस्तों हम अंदर बैठे हैं। हवा बहुत अच्छी चल रही है, बादल चारों तरफ छाए हैं। तो दोस्तों आज हमको जाना है बाजार, और दोस्तों मंदिर जाना है, पूजा करना है, क्योंकि दोस्तों हमारा त्योहार है आषाढ़ी आषाढ़ा का। हमारे गांव के लोग और सभी गांव के लोग यहां पर मनाते हैं त्योहार, तो वही त्योहार दोस्तों आज हम मनाएंगे। तो कैसे मनाते हैं आज हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों आपको बाजार में मिलते हैं। दोस्तों बिट्टी हमारी जाग गई है, अभी सो रही थी। दोस्तों अभी हम मंदिर में आ गए हैं और जाजी यहाँ पर खड़ी हैं, और मंदिर में दोस्तों आज काफी ज्यादा भीड़ है। दोस्तों आज पूर्णमासी आषाढ़ा है, ये देखिए दोस्तों कितना ज्यादा भीड़ है आज यहाँ पर। बहुत बड़ा मंदिर है दोस्तों हमारे एरिया का, ये देखिए कुछ ऐसा नजारा है। और यहाँ से ऊपर जाने का जगह है, तो ये सब ऊपर जा रहे हैं अभी। दोस्तों मंदिर के ऊपर आ गए हैं और बहुत ज्यादा भीड़ है, लाइन लगी हुई है जल चढ़ाने के लिए। दोस्तों पूजा करके आ गए हैं हम, और जय जी यहाँ पर बैठी हैं, बाजार में हैं दोस्तों। अभी अभी हमारे पीछे दो दुकान दिख रही है, दुकान है बंद और सामने दोस्तों दुकान चालू है। अभी हम वहाँ पर चलते हैं, थोड़ा आम ले लेते हैं। कैसे दोस्तों, ये त्योहार है हमारा आषाढ़ी आषाढ़ा का, यहाँ पर पूजा होती है मंदिर में, पूजा करके फिर आम और बिरयम को खाना होता है, तो वही आज मतलब सभी सभी लोग खाते हैं दोस्तों हमारे इधर। तो अभी चल के आम हमको लेना ही पड़ेगा, बिना आम के नहीं बनेगा। तो अभी जा रहे हैं आम लेने। क्या रेट है भैया? 40 40, 1 किलो दे दे भैया। तो दोस्तों हमने बाजार कर लिया है, आम ले लिए हैं, तो अभी चलिए चलते हैं घर। दोस्तों अभी घर में आ गए हैं बाजार से, और जया जी दोस्तों आम धुल रही हैं। आम लिए थे हम 1 केजी। दोस्तों आषाढ़ी आषाढ़ा है, त्यौहार है दोस्तों हमारा, और हम सुबह में दोस्तों जल्दी जल्दी चले गए थे तैयार होकर के, क्योंकि दोस्तों पूजा करना पड़ता है, बिना पूजा किए नहीं खाया जाता हमारे यहाँ पर, और सिर्फ बिढ़ई और आम खाया जाता है, और कुछ भी नहीं खाते। और तो दोस्तों देखिए जया जी बिढ़ई बना के चली गई थी सुबह सुबह में, जल्दी जल्दी उठ के 5 बजे अपना ये सब बना दिया था बिढ़ई, और फिर हम सुबह सुबह चले गए थे। दोस्तों हम मतलब दूर पड़ता है, और वहां से आते आते काफी दूर पैदल भी चलना पड़ता है, गाड़ी मतलब एकदम हमारे घर से तो गाड़ी नहीं मिलती है, थोड़ा दूर चल के गाड़ी मिलती है दोस्तों, साधन मिलता है, तो मतलब थक जाते हैं, भूख भी लगने लगती है। तो इसकी वजह से हम पहले ही जया जी बना दिए थे कि जब वहां से आएंगे तो सीधा खा लेंगे, बनाना नहीं पड़ेगा ना। तब दोस्तों अब हम यहाँ पर इनको खा लेते हैं, फिर खाने के बाद अगला काम करेंगे, है ना। हाँ तो चलिए दोस्तों खाते हैं हम बिढ़ई और आम। हाँ दोस्तों आप भी खा जाइए, हम खा रहे हैं अभी। दोस्तों खाना खा लिए हैं आम और बिढ़ई बहुत अच्छे से, और इतना तेज दोस्तों बारिश होने लगा है कि क्या ही बोलने का, बहुत तेज बारिश हो रहा है दोस्तों। देखिए जय जी पानी भर रही है, पूरा पानी हमारे घर के अंदर आ रहा है, और बाहर बहुत जोर बरस रहा है, मतलब दोस्तों बौछार का पानी बरस रहा है, तो वो दरवाजे से अंदर आ रहा है। दोस्तों किस तरह से अंदर भर रहा है पानी, और पानी अभी बहुत तेजी बरस रहा है, अभी थोड़ा धीम हुआ नहीं, बहुत तेज बरस रही थी ना। तो बहुत ज्यादा गर्मी थी, बिट्टी हमारी बहुत रो रही थी, एक तो इंजेक्शन भी लगे बिट्टी के तो रो रही थी, और गर्मी की वजह से भी रो रही थी। अभी बारिश हो गई है तो अभी अभी सो गई है, और अभी देख ली दोस्तों बढ़िया सो रही है बिट्टी हमारी, नहीं तो रो रही थी। अभी बारिश इतना तेज हो रही है तो ठंडा ठंडा मौसम हो गया है, तो हमारी बिट्टी सो गई है। एक तरफ उधर से छू रहा है थोड़ा थोड़ा सा, उस साइड से आपको दिख ही रहा होगा, और तो कहीं से नहीं छू रहा है। और दोस्तों जैसे जमने खा रही है, दिखाओ मुझे। हाँ दोस्तों जमीन लेके आए हैं, बाजार भी किए हैं, मंदिर भी गए थे पूजा के, यहाँ पर देखे हैं, तो जमीन भी लिया थोड़ा सा, क्योंकि पूरा सीजन निकल गया दोस्तों, हमको जमीन खाने को नहीं मिली, जाया जी बोले थे ले लो थोड़ा सा, तो फिर ले लिए थे हम, फिर सीजन निकल जाएगा, हम जमीन का सीजन लास्ट है ना, अब यही था, इसके बाद जमीन अमी नहीं दोस्तों आएंगी।
खा लिए हैं हम है तो अब उनको टेंशन हो जाती है। अगर बनाना होता तो ना लकड़ी भी वहाँ पर हमारी सारी भीग जाएगी। थोड़ा लकड़ी बचा लिए दोस्तों, यहाँ पर रख दिए थे और बाकी तो वहीं पर रखी है, जगह नहीं है अंदर रखने के लिए। हम सोचे बाद में प्लास्टिक लेकर के साइड में लगाएंगे तो वहाँ पर लकड़ी वकड़ी रखने के लिए हो जाएगी ना, तो यही करना पड़ेगा दोस्तों। तो आज बारिश ही हो गई और हमको लाना था प्लास्टिक लेकिन भूल गए, मतलब तो ये ना कोई गाड़ी आड़ी मतलब यहाँ तक आता नहीं है तो पैदल थोड़ा दूर चलना पड़ता है, तो इसके लिए हम नहीं लाए जाते सामान, नहीं तो पन्नी अन्नी ले के डाल देते तो थोड़ा अच्छा होता है ना। उधर से थोड़ा थोड़ा चूता है जैसे देख को इधर से चू रहा है, ये साइड से चू ही रहा है, ज़्यादा बारिश हुआ तो चूता है ना। बीजा भी बोना था दोस्तों, हमको बीजा लेके आए थे, करेला का है और मिर्चा है, टमाटर है, भाटा ऐसा सब बीजा ले आए थे, तो शाम को बोएंगे, देखेंगे आज बारिश हो गई नहीं तो फिर कल बोएंगे। दोस्तों बारिश बंद हो गया है और बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा मौसम बिल्कुल हो गया है, नहीं बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी दोस्तों, हवा चल रही है खूब अच्छा और बादल चारों तरफ खूब घने घने बादल हैं। और जया जी यहाँ पर ना बीजा गोड़ रही है दोस्तों, आज हम बाज़ार से लेके आए हैं तो आज का बाज़ार गए थे दोस्तों, आपको दिखाए ही हैं, मेथी लगाएंगे, भाटा लगाएंगे और टमाटर बोएंगे, सब कुछ दोस्तों इतने में हम लगा लेंगे जितना हमारा खाने के लिए हो जाएगा। बिट्टी हमारी बेचारी वहीं से अंगूठा चौंक रही है, थोड़ा थोड़ा रो लेती है और इधर को देख रही है, और अभी तक बहुत पानी बरसा था दोस्तों, अभी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी दिख रहा है, मेरे नीचे चिपचिपा रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। देखिए दोस्तों यहाँ पर सारे बीजे रखे हैं जो बोना है, और ये मकाई रखी है, सब यहीं पर पूरा बो देंगे। अब यहाँ पर तीन चार खेत तो जोत गए हैं दोस्तों, और काफ़ी अभी पड़े हैं जोतने के लिए, और तीन चार खेत पहले ही जोत गए हैं, यहाँ के सारे जोत दिए गए हैं। ओ बिट्टी गुड़ गए, ओ दोस्तों उधर हमने भिंडी बो दिया है और अब जया जी यहाँ से पूरा ऐसा करके मकाई बो के ला रही हैं। तो दोस्तों बारिश बहुत तेज हो गई है, ऐसा लग रहा है कि अब नहीं निकलेगा, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और चारों तरफ बादल छाए दोस्तों। तो अभी हम ये हमारा काम तो आज होगा नहीं दोस्तों, पूरा काम कल ही होगा, तो अभी यहीं पर दोस्तों वीडियो को समाप्त कर देंगे। चलिए बाय बाय, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक लाभ करूँ तो हमारा प्यार भरा नमस्ते।